चलो आज हम लोग देखते हैं लाइटिंग टेस्ट। लाइटिंग टेस्ट में पहला टेस्ट यहाँ पे, ठीक है। अभी जैसे हम लोग लाइटिंग टेस्ट करते हैं तो लाइटिंग टेस्ट में पहला काम क्या होगा, आप प्रोजेक्ट बनाओ। सबसे पहला काम ये आपने ठीक है अच्छा किया है, लेकिन कभी भी आप स्टूडियो में जा रहे हो तो आपका प्रोजेक्ट होना चाहिए। प्रोजेक्ट में पूरा जैसे लाइटिंग टेस्ट है ना, इसके अंदर सारे प्रोजेक्ट फोटो होना चाहिए। वैसे उनका काम कुछ नहीं हो, लेकिन उनको फॉर्मेलिटीज चाहिए, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पासिस। पासिस में देखा जाए अगर पासिस में बहुत सारी चीज़ें निकाल रखी यहाँ पे, ठीक है। कैरेक्टर पास से अलग निकाला है, गुड, ये अच्छा काम किया, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज किया। फॉक पासिस बहुत अच्छा निकाला है, ठीक है। बताओ डीप स्टडी किया। चलो इसको यहाँ पे देखते हैं। की है, ठीक है, की आपका दिखाया है, की है, फिल है आपका, बाउंस है आपका, ठीक है। दिस इज़ गुड, ये तीनों चीज़ आपके यहाँ पर होना चाहिए। बीजी में है तो बीजी में तीन तो मेजर पार्ट है, की, फिल एंड बाउंस, ठीक है। स्काई का आपने अलग निकाल रखा है, ठीक है, अच्छा है। स्काई है आपका स्पेकुलर, दिस इज़ गुड, स्पेकुलर का पार्ट भी है। एक चीज़ और बताऊँगा, जैसे अभी तुमने काम किया अच्छा किया है, अभी थोड़ा सा और अच्छा करने की बात बताता हूँ। क्यों, एक सिंपल सा पार्ट है, जैसे स्पेकुलर मुझे किस चीज़ में चाहिए, तो देखो किस ऑब्जेक्ट में शाइनिंग है, उसमें उठा के ब्लेंड डाल लो। जैसे यहाँ पे सिर्फ नीचे यहाँ पे स्पेकुलर दिखा है, जैसे मान लो कहीं टेबल चेयर ऐसे दिखा लो, जैसे जैसे ये गिटार दिख रहा है ना हमें, ठीक है। इन सबों में कहीं ऐसा कुछ एक पार्ट है जहाँ पे लगता है थोड़ा सा स्पेकुलर मुझे चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा आइडिया देता हूँ क्या चीज़ों को, थोड़ा सा और बेटर करने की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे वो जिसमें शाइनिंग है, ठीक है, हल्का सा इस वुड में कहीं शाइनिंग है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जो स्पेकुलर वाला पार्ट है उसका ना आप एक सिंपल ब्लेंड डाल दो, और जैसे आपने एक पॉइंट लाइट डाला ना, उस पॉइंट लाइट में आपने डिफ्यूज ऑफ कर दिया, तो सब पे स्पेकुलर आ जाएगा, तो आपको कंट्रोलिंग पार्ट मिल जाएगा मुझे, ठीक है। तो अच्छा है, ठीक है। जैसे ये देखो यहाँ पे फाइनल आपने दिया, इसको मैं तो सर रीड करता हूँ यहाँ पे, तो स्पेकुलर अच्छा बना है, ठीक है। और अच्छा किया जा सकता है, दिस इज़ गुड, ठीक है। और जी डेप्थ ये भी अच्छा है, दिस इज़ गुड, ठीक है। जी डेप्थ है, एओ है, सैडो है। अभी देखो लिटरली अगर आप यहाँ पे फॉक, तो आपने क्या किया, आपने ये चीज़ डिफाइन कर दिया कि आपको मिनिमम से मिनिमम पासिस आपको आते हैं, 1, 2, 3, 4, 4, 8, 9 पासिस है। लेकिन इसमें एक दो चीज़ आपने मिस किया, वो है क्या आपका RGB। RGB बहुत इंपॉर्टेंट पास होता है, क्या RGB को मिस नहीं करो, ठीक है। बेशक आप उसका यूज़ करें नहीं करें, लेकिन कब कल अगर आप स्टूडियो में जाओगे वो आपसे RGB पास मांगेंगे क्या, ठीक है। राइन पास आपने अच्छा किया, दिस इज़ गुड। ऊपर से आपने फिर कैरेक्टर का देखा, कैरेक्टर का की रेम है, फिल है, ठीक है, दिस इज़ गुड, ये भी अच्छा बना है। आइटम देखा है तो लेकिन आपने काफ़ी पासिस को टच किया है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स को थोड़ा सा मैं लेके चलूँ, जैसे यहाँ पे एफर्ट्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। यहाँ से अपने लाइट का इम्पैक्ट दिया, यहाँ से बाहर का इम्पैक्ट आपको दिख रहा है, ठीक है। स्काई हमने दिखा रखा है यहाँ पे, ओके। यहाँ पे नीचे की तरफ आपने थोड़ा सा शाइनिंग का पार्ट दे रखा है, यहाँ पे थोड़ा टेक्सचर होता तो और अच्छा होता, ठीक है। और सब कुछ अच्छा है, नो डाउट, अगर मेरे को ये सब कुछ अच्छा है, लेकिन यहाँ पर अगर थोड़ा टेक्सचर होता तो और अच्छा लगता, क्या ये अच्छा मैनेज किया है, ठीक है। अभी स्टार्टिंग अगर मैं बोलूँ तो स्टार्टिंग में लाइटिंग का एफर्ट्स आपने बहुत अच्छा दिया है, ठीक है। रिफ्लेक्टिविटी भी दे रखी है यहाँ पे, इसका रिफ्लेक्शन होना चाहिए, और रिफ्लेक्शन भी दे रखा है। नए नए चीज़ों में अगर देखें घर के अंदर, थोड़ा सा शाइनिंग रहता है फ्लोर के अंदर, ठीक है। आप इसको थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे स्टार्टिंग में अगर मैं बोलूँगी, स्टार्टिंग में जो आपने काम किया है, कुछ कुछ चीज़ों को ऐड करके, कुछ कुछ चीज़ों को लेस करके, विंडो से फॉग आपने दिखाया है, कैरेक्टर पर लाइटिंग इम्पैक्ट आपने अच्छा देखा है, रिम बहुत बढ़िया आ रहा है आपके यहाँ पे, ठीक है। एक चीज़ और बताता हूँ यहाँ पे, एक नेक्स्ट लेवल और आपको ऐड करता हूँ। जब हम लोग काम करते हैं वैसे बोलते हैं 3-point lighting, ठीक है। लेकिन जब 3-point lighting करते हैं ना, तो कई बार हमें रिम जो इधर दिया है ना, हमें एक रिम इधर भी बनाना पड़ जाता है। तो 3-point lighting तो होता है, लेकिन पीछे रिम को ना हम लोग 2-3 कॉपी करके मैनेज कर देते हैं, पूरा 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 आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर देता हूँ, दिखाता हूँ आपको। देखो ये कैरेक्टर दिखा, टर्निंग लाइट पर आप जा रहे हो, यहाँ पे प्रॉपर रिम देख रहे हैं आपको यहाँ पर। अभी ये एक लाइट इधर, एक लाइट इधर, लेकिन दोनों से एकदम से ऐसा रिम नहीं आएगा क्या। तो टेक्निकल टर्म्स में क्या होता है कि ये चीज़ को तो सब मैनेज करते हैं, यहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग प्रॉपर करके तो पूरा प्रॉपर एक बॉर्डर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊँ, जैसे इसके अंदर यहाँ देखो, देखो यहाँ पे अगर स्टडी करते तो क्या भेजेंगे, प्रॉपर रिम बहुत बढ़िया दे रखे हैं यहाँ पे, है ना। तो हमें इन चीज़ों को थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास कैरेक्टर है, कैरेक्टर का एक कॉर्नर पार्ट, रिम को मतलब क्या होता है, बैकग्राउंड आपको चीज़ों को अलग करके दिखाएं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे चीज़ों को देखो, यहाँ पे जैसे मैं चीज़ को दिखाऊँ तो यहाँ पे मेरे पास चीज़ें थोड़ा सा अलग से डिफाइन किया जाएगा यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे तो सॉफ्ट नहीं, देखो ये प्रॉपर ये बॉर्डर आ गया यहाँ पे, ये देखो देख रहे हैं।
तो सीन के साथ अगर मैं कहीं पे भी काम करता, कोई रूम के अंदर है, देखो प्रॉपर रूम देखना है, अबे ये प्रॉपर कनेक्टिविटी यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रॉपर रूम बनाया हुआ है, देखो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे तो आपका काम और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ गुड, अच्छा है, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा और चीज़ों को मैनेज करो, ठीक है। तो उसे स्ट्रिक मार्किंग कर रहा हूँ, स्ट्रिक मार्किंग में लाइक क्या आएगा, जैसे 10 नंबर देना, 10 नंबर में से आपने इंटीरियर के पास आपने अच्छे किए, ठीक है, आपने RGB पास को टच नहीं किया जो इंपॉर्टेंट पास है, तो उसे तो और टच करना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ, अगर 5 में से लाइक रूम के लिए 5 और कैरेक्टर के लिए 5 की बात करता हूँ, तो रूम के अंदर काफ़ी अच्छा एफर्ट्स किए, तो मैं कहूँ कि एटलीस्ट मैं 4 तो दूंगा तुम्हें, ठीक है। पासिस का प्रेजेंटेशन अच्छा कर रखा है, कुछ पासिस मिस किए वो सब कुछ देखने के बाद, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी करेक्टर के अंदर चीज़ों को अच्छा दे रखा है, करेक्टर लाइटिंग लुक एंड फील अच्छा दे रखा है, ठीक है। वार्म इम्पैक्ट देने की कोशिश की है, लुक एंड फील लाइक ओवरऑल दिखा है। एक कलर थीम भी थोड़ा सा मैनेज करो, जैसे देखो पे अभी को ये शेडो किसका है, ये शेडो आएगा, ये शेडो किसका है, लाइक क्या पार्ट है, ये चीज़ आपको सोचना पड़ेगा भाई, ये किसका शेडो आ गया इसका, इधर इधर, ठीक है। ये विंडो का आपका यहाँ पे शेडो आ रहा है, ठीक है। ये अपने चीज़ों को थोड़ा मैनेज करने की कोशिश की है, लेकिन वो थोड़ा सा कहने के कुछ मिस हुआ है क्या, ठीक है। तो उसे बैलेंस करोगे तो काम हो जाएगा, बाकी करेक्टर वाइज अच्छा है। तो मैं अगर कहूँ, अगर ऐसे स्टार्टिंग में अगर कहीं जा रहे हो तो आपको लाइक 8 नंबर आपको कहीं नहीं जाएंगे, 8 नंबर अगर आपको मैं बोलूँ तो 8 नंबर मैं आपको यहाँ पे दे सकता हूँ क्या, ठीक है। सेम चीज़ ये फोल्डर जो मैंने बता रखा वैसे बना के दिया है, दिस इज़ गुड, ठीक है। रेफरेंस का फोल्डर होना ज़रूरी है, ठीक है। एक चीज़ आप ध्यान रखो कि आप रेफरेंस कोई भी चीज़ फॉलो करते हो तो रेफरेंस दिखाओ, अपने रेफरेंस क्या फॉलो किया है, ठीक है। पैनल लैंड में अगर आप यहाँ पर आते हो तो देन आप यहाँ पे जो दिखा सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। लाइटिंग का इम्पैक्ट आपने देने की कोशिश की है, लाइटिंग दिस इज़ गुड, ठीक है। इम्पैक्ट अच्छा है, कुछ चीज़ ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पे लैपटॉप दिखाया तो लैपटॉप के अंदर स्क्रीन होता तो और अच्छा लगता, इसके अंदर तो उसे एक लाइटिंग कर देना और बेटर लगता। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपने जो चीज़ों को बनाया है, लेकिन ये मटेरियल जो बनाया ना वो मटेरियल अलग नहीं दिखेगा, ये जैसे क्रोम का मटेरियल को अलग जा रहा है यहाँ पर, तो इसको थोड़ा सा बैलेंस करना होता है क्या, तो ये आप RGB पास लेके उसे थोड़ा एडजस्ट करोगे तो वो भी काम आपको अच्छा हो जाएगा। लाइटिंग कहूँ, लाइटिंग दिस इज़ गुड, लाइटिंग का पार्ट अच्छा देने की कोशिश की है, लेकिन लाइटिंग के साथ आपको मटेरियल टेक्सचर पे भी ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पे, ठीक है, ये आपका है, आपने पासिस पे काम किया, रेंडर पासिस, ओके दिस इज़ गुड, ये अच्छा काम किया है। पासिस पे आपने दिखाया है कि ए ओ अपने पास निकाला है, यहाँ पे आपने कैरेक्टर फिल दे रखा है, ओके कैरेक्टर फिल 1 2 दोनों दिया है यहाँ पे, ओके करेक्टर फिल अपने यहाँ पे काम कर रखा, दिस इज़ गुड, RGB पास आपने दिया है, यूज़ करोगे तो और बढ़िया, ठीक है। कंपोजिट अपने यहाँ पे किया हुआ, ओके कंपोजिटिंग में थोड़ा सा काम हम लोग और कर सकते हैं, जैसे दिख रहे हैं ये आपका बाउंस में दिख रहा है, ठीक है। जो मटेरियल आपसे बना है ना वो मटेरियल के वजह से थोड़ा सा आपको डील करना है, अगर हमने रिफ्लेक्शन मटेरियल बनाया है ना, रिफ्लेक्शन नहीं स्पेकुलर, उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने RGB पास जो बनाया है बेड वाला नहीं बनाया है, उससे थोड़ा सा बना के आप एडजस्ट कर दो तो आपका काम बहुत बढ़िया हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ओके दिस इज़ गुड, ये भी अच्छा है कि आपने यहाँ पे दिखाया, इंटीरियर डिफ्यूज़ पास, डिफ्यूज़ पास अच्छा है। डिफ्यूज़ में क्या होता है, कलर इन्फॉर्मेशन होती है क्या, अगर आप डिफ्यूज़ देते हो तो डिफ्यूज़ में क्या होता है कि आप कलर इन्फॉर्मेशन के साथ आप कलर को मैनेज कर सकते हो, कहीं पर कलर की कमी हो तो ज़रूरी होता है, ठीक है। इंटीरियर फेल हो गया, ओके दिस इज़ गुड, ये मून लाइटिंग अच्छा दे रखा है, अगर मैं कैरेक्टर को बाकी चीज़ को छोड़ दूँ तो भी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो की पासिस आपने अच्छा दे रखा है, हमें स्टडी अच्छी की है, लाइक मैं कहूँ तो आपने ये भी अच्छा दे रखा है, फिल पास दे रखा है हमें, RGB यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान देना है क्या, लाइक अगर आप जब RGB बनाते हो, ये आपने RGB बनाया ना तो दिस इज़ कॉल्ड RGB, ये पूरा का पूरा है, लेकिन आपने जो ये बनाया है इसमें चीज़ छूट गया है, ठीक है। RGB का मतलब होता है कि देखो आपने ग्रीन यहाँ पे दिया, ब्लू यहाँ पे दिया, रेड यहाँ पे दिया, ये जो बाकी पार्ट है ना वो आप इनमें से किसी एक में डाल दो, रेड में डाल दो, ब्लू में डाल दो, आपको सपोज बेड का काम है, ठीक है। अगर आपको बेड का काम है तो आप बेड का, इसमें RGB में कई बार ऐसा होता है आप दो ही चीज़ यूज़ कर पाते हो, तीसरी चीज़ को आपको सबको कवर करना पड़ता है, तो बेड हो गया या फिर वॉल हो गया, बाकी इन चीज़ को एक कलर में डालना पड़ेगा क्या, तो ये फिर वैसे करके काम करोगे, ये ठीक है, ऐसा निकाला ऐसे करके काम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कंप्लीट दो, सामने वालों को ये लगना चाहिए, जैसे RGB पास में जैसे सपोज मुझे ये बेड चाहिए, ये क्लॉथ चाहिए या ऐसा कुछ पार्ट चाहिए, तो इसको एक बाकी सब में ब्लू कर दो, फिर नेक्स्ट में एक ब्लू का हाईलाइट करो, बाकी सबको ऐसा कर दो, ऐसे करके पासिस को थोड़ा सा मैनेज करने के, ठीक है। अच्छा शेडो पासिस पर अच्छा काम किया, ठीक है, अच्छा किया है, ये भी अच्छा है अपना, ठीक है। जिधर पे अच्छा काम किया,
ओके दिस इज़ गुड। अच्छा अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे अपने जो लाइटिंग विदाउट पासेस, लाइटिंग के बिना पास के भी अच्छा दिख रहा है, थोड़ा सा अगर देखा जाए तो ठीक है। थोड़ा सा अगर मैं कहूँ यहाँ पे जो आपने आउटपुट दिया है दिस इज़ गुड, अच्छा है। मतलब दो तीन चीज़ को अगर मैं इग्नोर कर दूँ ना तो अच्छा है, लेकिन देखो जैसे मैं आपको थोड़ा सा कंपोजिटिंग में बताता हूँ, जैसे आपने कुछ काम किया है, आपने कंपोजिटिंग की फाइल दे रखी है, तो इसमें थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देता हूँ। ओके थोड़ा सा मैं यहाँ पे इन चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा क्या कि आप कहाँ पे क्या काम कर रहे हो, आप ओवरऑल इम्पैक्ट अच्छा दिया है क्या? देखो आउटपुट अच्छा है लेकिन कहाँ पे आप क्या काम कर सकते हो, थोड़ा सा आप इन चीज़ को अगर मैनेज कर दो ठीक है। सपोज आपने काम ये आपने किया है ओके ये आपने यहाँ पे कर रखा है ठीक है, दिस इज़ गुड, ये अच्छा है, ये आपने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, एडजस्ट करने के बाद अपनी चीज़ों को थोड़ा सा कस्टमाइज भी किया है ठीक है, अच्छा करने की कोशिश की है। अभी देखो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, मुझे कुछ चीज़ों पे थोड़ा सा बैलेंस करना है। बैलेंस करने का मतलब यहाँ पे क्या करने वाला, जैसे ग्रेडिएंट डाला आपने, एडजस्टमेंट अच्छा किया है, जीते पासिस आपने ऐड ऑन किया यहाँ पे, RGB पासिस में बस RGB पासिस में RGB आपने बनाया तो सही है, देखो ये आपने लिया, आपने बेड का नहीं लिया जहाँ पे मैं थोड़ा सा काम कर सके, यहाँ पे मुझे अभी थोड़ा सा बेड वाले पार्ट पे काम करना है, करेक्ट है, अच्छा काम किया यहाँ पे ठीक है। अभी देखें यहाँ पे अगर मैं कुछ करता यहाँ पे, ठीक है मुझे इन पे ही थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है ठीक है। यहाँ पे देखो सिलेक्ट में गए ठीक है, सिलेक्ट में गए, यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे सिमिलर, देखो यहाँ पे कितना मुश्किल हो रहा है सिलेक्शन करना, ये अगर थोड़ा सा पार्ट आप यहाँ पे लेके काम कर देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट ही, तो ये आपका थोड़ा सा काम आपका और अच्छा हो जाएगा। एक लाइटिंग आर्टिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप चीज़ों को थोड़ा सा समझो यहाँ पे, देखिए ना भैया आपको ये पूरा सिलेक्शन करके निकालो ठीक है, नहीं तो ये बहुत बढ़िया नहीं दिखेगा मेरे को। थोड़ा सा आपको अगर पार्ट मिल जाए आपको यहाँ पे तो आप थोड़ा सा देखो यहाँ पे मैंने सिंपल जस्ट कुछ नहीं करना, मुझे यहाँ पे एक कर्व ले लेना यहाँ पे, देखो ये तो आपका शाइनिंग वाला पार्ट थोड़ा सा अगर एडजस्ट हो जाए ना तो आपका यहाँ पे चीज़ें बेटर हो जाएंगे। तो यहाँ देखो आप देख रहे, ये देखो ये थोड़ा सा यहाँ पर डल जाएगा तो आपका यहाँ पे काम अच्छा हो जाए यहाँ पे ठीक है। अब जैसे आपने इमेज ही लगाया है आपको यहाँ पे सिंपल सा पार्ट आपके यहाँ पे दिखाता हूँ, छोटी छोटी एडजस्टमेंट बताता हूँ क्या, छोटी छोटी एडजस्टमेंट में यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया वी प्रेस कर दिया ठीक है, थोड़ा सा फोटोशॉप को भी उसके साथ डील करोगे यहाँ पर, आप फोटोशॉप को आप ऐसे डील करोगे तो आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा, फिर ऐसे करके भी हम लोग काम कर सकते हैं। यहाँ पे गए ये पार्ट मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया ठीक है, कंट्रोल जे कर दिया मैंने यहाँ पे, फिल्टर में गए ब्लर गॉसियन ब्लर, देखिए आप यहाँ पर दो सौ मैं ब्लर एंड देन ये पार्ट में थोड़ा सा मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे ओके। इसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको देखना यहाँ पर थोड़ा सा मैं अगर मैनेज करता हूँ यहाँ पर तो यहाँ पर चीज़ें मुझे थोड़ा सा ऐसे देखेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा लाइटिंग के पार्ट मुझे दिखाना है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ से सिंपल सा पार्ट एक आध न्यू लेयर लेके ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करें, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया कि मेरे पास ऐसा कुछ एक पार्ट है यहाँ पे, राइट क्लिक एंड मेक सिलेक्शन ठीक है, क्रिएट अ न्यू लेयर ठीक है। जब आप काम करते हो थोड़ा सा आपको लाइक एडजस्टमेंट आप जाते हो ना आप तो ठीक है,
फिल्टर ब्लर गॉसियन ब्लर मैं बढ़ाता हूँ पिक्सल का, ठीक है। तो उसे मैनेज कर दो क्या, यहाँ पे हल्का सा ग्लो आप यहाँ पे जो करें तो और बेटर दिखे यहाँ पे, समझ रहे हो कि यहाँ पे उसका कुछ इम्पैक्ट आ रहा है, कुछ आप चीज़ों का पैसे मैनेज कर सकते हो। छोटी छोटी चीज़ों का आप यहाँ पे अगर टचअप दोगे तो आप चीज़ बहुत बढ़िया देखेंगे। तो अगर इन सब चीज़ पे थोड़ा अगर काम कर लेते हो तो आपका काम और बढ़िया आता है, ठीक है। ये सिंपल से पार्ट है, आप चीज़ों को अपने दोस्तों से टच किया तो देखो यहाँ पे, अगर पी कंपेयर करोगे ना यहाँ पे, ये देखो ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों का तो आप मैनेज करोगे ना, देखो आप अपने आप चीज़ यहाँ पे बढ़िया देखेंगे। यहाँ पे क्या मिसिंग है और जो मिसिंग है उसको मैं थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश की यहाँ पे, ठीक है। ये जो पार्ट है अभी और से बेटर दिखेगा यहाँ पे, कि मैं अगर ऐसा कुछ काम करने वाला हूँ तो मुझे ऐसा कुछ यहाँ पे काम करके देना है यहाँ पे। मैं चीज़ों को और इससे बढ़िया मैं कर सकता हूँ, जितना टाइम दोगे ना आप चीज़ों को उतना बढ़िया आप यहाँ पे कर सकते हो क्या। यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका ये पार्टी यहाँ पे है, इसको आपने यहाँ पे क्या किया, ये देख रहे हैं इसको और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ब्लेंडिंग साथ अप्ले करो आप यहाँ पे कुछ और बेटर, जैसे इनको हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे ठीक है। ऐसे करके हम थोड़ा सा मैनेज करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे काम थोड़ा सा ईजी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये पार्ट मैं ऐसे थोड़ा सा दूंगा यहाँ पे, तो मेरे पास अब देखो यहाँ पे दो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, छोटी छोटी चीज़ ऐड करने से कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। तो छोटा सा आपको लगता है ना कि आपने काम करना भूल गए हो, तो आप थोड़ा सा फोटोशॉप में भी कलर के एक्सटर्न चीज़ों को मैनेज करके कुछ भी कर सकते हो आप यहाँ पे, चीज़ों को कैसे बैलेंस करना है आपको यहाँ पे, ठीक है। कलर को कैसे मैनेज करना है, जैसे आपने यहाँ पे देखो आपने यहाँ पे चीज़ को दिखाया, एक चीज़ मैंने इसमें बहुत अच्छी चीज़ बताई जो लाइटिंग मैंने बताया था इसमें, क्या अपना कलर मिस ना हो, ठीक है। कलर मिस ना होने का मतलब यहाँ पे जैसे रेड कलर रेड और ब्लू में थोड़ा सा कॉम्बिनेशन होता है तो वहाँ पे चीज़ थोड़ा सा अलग से आता है। जैसे देखो आपने यहाँ पे किया है, यहाँ पे मैंने क्या किया लाइक दिस वन, ठीक है। अभी यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ इस वाले पार्ट को, मुझे देखो ये पार्ट अभी इतना आपको ऊपर जा रहा है यहाँ पे, अपने मास्किंग करके काम कुछ कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है अब कलर दिखने लगा, ब्लैक को अवॉइड करोगे, जितना ब्लैक को अवॉइड करोगे देखो ये देखो अभी कैसे ब्लैक में जा रहा है, यहाँ पे ब्लूइश में जा रहा है यहाँ पे। ये अपने काम कर दिया, ठीक है। आप इसको थोड़ा मैनेज करना चाहो मैनेज कर दो, थोड़ा सा बैलेंस करना चाहो बैलेंस कर दो आप यहाँ पे, देखो जस्ट ब्लर कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अभी वो हार्ड लाइनें जो थी ना वो चली गई, देखो जो मैंने काम किया उनमें बस ऐसा लगा कि मैं हार्ड लाइन है, तो उसको तो मैंने बैलेंस कर दिया, तो दिस इज़ गुड, ये अच्छा है, ठीक है। तो चलो एफर्ट्स बहुत बढ़िया किया, ठीक है। थोड़ा सा जो चीज़ें हैं उनको मैं तो मैं कहूँ कि भाई आपने रेफरेंस भी देखा, ठीक है, अपने पार्षद के साथ भी काम किया, ठीक है। तो इन चीज़ों का तो मैनेज किया है तो अच्छा आ जाएगा। वॉट आई वॉन्ट आप इन चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करो, बाकी ठीक है। मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा अगर मैं ध्यान दूँ, एक लाइटिंग आर्टिस्ट के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है इन सब चीज़ों को ध्यान देना, तो आपको मैं इसमें लाइक 10 में से आपको 8 तक मैं दे दूंगा, ठीक है।